लोग आ गए हैं 82 यज्ञ देखने और बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 1051 हवन कुंड एक साथ बना हुआ है, हवन कुंड बना हुआ है। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरं तो प्रदीपितं मेयं मूर्छायां शर्वन्तनाना स्वन्ति पुष्पाणि साकारो समाञ्चा विभुमाञ्चुर्यान सत्यानां परमेश्वरं सर्वमङ्गल विग्रहाय साकाय सर्वाराज्य सराहराय श्रीपते नारायण नमः मन्त्र पुष्पाणि वर्तमानानि कृष्णोमि आप बोले नाटक गाय को करते हो, मैंने उसमें मिट्टी लगा रखी थी, अभी हिलाने लग गए। दर्पण यदि मलिन है तो अपने रूप का दर्शन हम कैसे करेंगे, और मन रूपी दर्पण यदि चंचल ज्यादा है, हिल रहा है, तो हमें आत्मदर्शन कैसे होगा। अच्छा, दर्पण में मिट्टी भी नहीं लगी है, दर्पण हिल भी नहीं रहा है, पर हमारी आंखें नंबर दो पे नहीं आ जाता, नंबर एक ही रहता है। अंदर जाएंगे क्योंकि हम लोग अंदर जाने के प्लानिंग से नहीं आए थे, तो कल आएंगे हम लोग और आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे, अंदर क्या क्या है। अंदर 1051 हवन कुंड बने हुए हैं, हम लोग अंदर जाएंगे तो दिखाएंगे आप सभी को, और हम दोनों आएंगे कल, दोनों लोग मिलके दिखाएंगे आपको सारा वीडियो। ये कितना मस्त होता है, ज्यादा अच्छा रहे ना। ये रास्ता कैसे चला जाता है, तो वही निर्गुण के पानी है। 200 दिन में ऐसे दिन बता रहे।
और पत्नी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो ये राम जो है परक्रम में है। इसे कहा मूड तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखाम सिखरसिन काना, बड़ा अभिमान है तुझे, तेरी पत्नी ने तुमसे कहा था कि राम साक्षात ब्रह्म है भगवान है और तूने उसकी बात नहीं मानी, फिर भी तू युद्ध करने के लिए आगे करो बॉम्बे। जो बात मैं अपने घर में कर रहा था पत्नी से, राम ने पर्वत पे कैसे सुन ली।